नमस्कार किसान साथियों, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा नींबू की प्रमुख बीमारियां और कीट के बारे में। तो किसान साथियों, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो। नींबू की सबसे प्रमुख बीमारी है सिट्रस कैंकर। तो किसान साथियों, इस बीमारी के अंतर्गत सबसे पहले लक्षण पत्ते पर दिखाई देते हैं और पत्ते पीले पड़ने लगते हैं, उसके बाद ये लक्षण तने पर दिखाई देते हैं। तो किसान साथियों, ये धीरे धीरे करके अपने नींबू पे भी अटैक करता है और नींबू पीला पड़ने लगता है और नींबू पर हल्के हल्के छिद्र दिखाई देते हैं, जिससे नींबू की गुणवत्ता बिगड़ जाती है और मार्केट में इसकी कोई भी वैल्यू नहीं रहती है। तो किसान साथियों, इसके उपचार के लिए आपको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का एक छिड़काव करना पड़ता है, जिससे कि ये बीमारी का नियंत्रण हो सके। और ये बीमारी सबसे पहले वर्षा ऋतु में होती है और वर्षा ऋतु में इसके लक्षण ज़्यादा प्रकट होते हैं। नींबू में सबसे प्रमुख सिट्रस कैंकर को ही सबसे प्रमुख डिजीज़ माना जाता है। दूसरी सबसे बड़ी बीमारी है जो है लिप माइनर। माइनर के अंतर्गत क्या होता है कि पत्ते इसके मुड़ने लगते हैं और अंदर एक कीट होता है जिससे कि लिप माइनर बोलते हैं। तो किसान साथियों, इसके लक्षण देख लेते हैं किस प्रकार से अपने पौधे पर आते हैं। किसान साथियों, इस पौधे के ऊपर आप देख सकते हो लिप माइनर का अटैक किस प्रकार से हुआ है। किसान साथियों, इसमें क्या होता है कि ये लिप है, इसके अंदर एक सुरंग बना के ये लिप माइनर रहता है। किसान साथियों, आप देख सकते हो इसके ऊपर अभी लिप माइनर का बहुत ज़्यादा अटैक हुआ है। किसान साथियों, आप इसके ऊपर देख सकते हो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर अटैक हो रखा है। ये ऊपर एक धारियों के रूप में दिखाई देता है और इसको आप खुरचते हैं तो अंदर से एक कीट बाहर आता है, इसे अपन लिप माइनर बोलते हैं। तो किसान साथियों, इसके नियंत्रण के लिए आपको इमिडा क्लोरोपिट का छिड़काव करना पड़ता है। किसान साथियों, इमिडा क्लोरोपिट का गोल आपको बनाकर इसके ऊपर छिड़काव करना पड़ता है, जिससे कि इस लिप माइनर का निवारण होता है। किसान साथियों, तीसरी जो सबसे बड़ी समस्या अपने नींबू पे होती है जो है नींबू की तितली। किसान साथियों, आपको अभी इसके ऊपर कोई नींबू की तितली नहीं दिख रही होगी, लेकिन इसके ऊपर पहले थी। किसान साथियों, यह एक प्रकार का कीट होता है जो इसके ऊपर होता है। पहले तो इसका आकार बहुत ही छोटा होता है, लेकिन ये पत्ते खाती और ये धीरे धीरे बड़ी हो जाती है। इसका अटैक सीधे पत्तियों पर होता है। किसान साथियों, इसके निवारण के लिए भी आपको इमिडा क्लोरोपिट का ही छिड़काव करना पड़ता है, जिसके छिड़काव से ये नींबू की तितली मर जाती है और इसका प्रकोप खत्म हो जाता है। तो किसान साथियों, हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे हमारे वीडियो का आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। मैं मुरारी आपसे फिर मुलाकात करूंगा एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।